अभी हमारे बैठे बैठे इनके परिवार पे, इनके बच्चों पे धमकियों के टेलीफोन आ रहे हैं। आज चौथा दिन है लेकिन बैठे बैठे अभी भी धमकी आ रही है। जंगल राज की ये परिभाषा है, परिकाष्ठा है। सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। गैंगस्टर्स के हवाले, हरियाणा का सारा सिस्टम गैंगस्टर्स के हवाले हो गया है। ये है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आज बहादुरगढ़ में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के घर पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा के होश फाकता उस वक्त हो गए जब उनके सामने नफे सिंह के परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। नफे सिंह की हत्या के बाद दीपेंद्र हुड्डा आज पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने नफे सिंह की हत्या पर दुख और संवेदना जाहिर की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि मौजूदा भाजपा जसपा की सरकार में जंगल राज कायम हो चुका है और पूरी तरह से हरियाणा को गैंगस्टर के हवाले कर दिया गया है। आज हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसे अपराधों की जो खबर आ रही है, और ऐसा हत्याकांड तो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ ना हो। आज हरियाणा हत्या दर में देश में नंबर दो पे आ गया है, और डकैती, फिरौती और अपहरण दर में देश में नंबर एक पे आ गया है। जंगल राज की ये परिभाषा है, परिकाष्ठा है। सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। गैंगस्टर्स के हवाले, हरियाणा का सारा सिस्टम गैंगस्टर्स के हवाले हो गया है, और सरकार पूरी तरीके से आज हरियाणा के इस जंगल राज के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये प्रदेश, मौजूदा प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अभी हमारे बैठे बैठे इनके परिवार पे, इनके बच्चों पे धमकियों के टेलीफोन आ रहे हैं। आज चौथा दिन है लेकिन बैठे बैठे अभी भी धमकी आ रही है। आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से, पूरी तरीके से अपराधी भयमुक्त हो गए। नागरिकों में भयमुक्त, प्रशासन का इनका वायदा था, लेकिन अपराधी भयमुक्त हो गए, ये मौजूदा बीजेपी सरकार की देन है। और हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी कोई दोषी है कोई बचे नहीं, कोई निर्दोष है तो किसी निर्दोष कोई फंसे नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हमारे पूरे इलाके के सामने किया जाए और हर दोषी को जो भी इसमें शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, जो प्रावधान है। और ये जो वातावरण, भय का वातावरण बन गया हमारे इलाके के अंदर, सरकार नैतिक जिम्मेदारी देख रहे, गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। कई बातें सामने आई हैं, लगातार एक साल से सिक्योरिटी मांग रहे थे, आज एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है, मगर उनको सिक्योरिटी नहीं प्रदान की गई। वो मुख्यमंत्री जी से लेकर और गृह मंत्री जी से लेकर और हर प्रशासनिक अधिकारी से मिले थे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई गई। तो ये इतना बड़ा, सरकार इस बात के लिए क्या जवाब देगी? जवाबदेही अगर बनती है तो आज इस प्रदेश सरकार की जवाबदेही। आज ये जो माहौल इतना ख़राब हो गया हमारे इलाके के अंदर, इसका 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा बेरोजगारी में तो नंबर एक था, अपराध में नंबर एक हो गया है, ये इसका जीता जाता मैं समझता हूँ 10 साल की सरकार की आज देन है। 10 साल के बाद ऐसी स्थिति बन गई, तो हमें बहुत दुख है, पूरा इलाका शोकाकुल है। हम उन्हें, स्वर्गीय नफे सिंह जी को श्रद्धांजलि उनकी देते हुए और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस परिवार को ताकत दे इस दुख का घड़ी का सामना करने के लिए, और हमारे इलाके में सुख शांति आए, जैसी हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना। बता दें कि बीते दिनों नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और घटना के 4 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस हमलावरों तक नहीं पहुंच पाई है। सड़क से लेकर सदन तक विरोध की आवाज उठने के बाद सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है।
अब देखना होगा कि नफे सिंह के हत्यारे और उनके परिवार को धमकियां देने वाले बदमाश कब तक सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।